नमस्कार, मैं रेखा दुग्गल। आप देख रहे हैं ओपन चैलेंज 24 न्यूज और इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के अंबेडकर भवन में। जैसा कि आज अंबेडकर बाबा साहब की जो पुण्यतिथि है उस पर सभी लोग जो है पूरी दिल्ली से और दिल्ली से बाहर से भी अंबेडकर भवन पहुंचे हैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने। यहाँ जब हम पहुंचे तो हमने कुछ महिलाओं को देखा जिनके हाथ में एक बैनर था, इंडिया फर्स्ट मिशन टच सपोर्ट रेप रोको। अब ये रेप रोको का बैनर लेकर ये महिलाएं यहाँ पहुंची हैं, उनका क्या संदेश है जो वो देना चाहती हैं, हम बात करेंगे। मैम अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम गुरमीत कौर और मैं इंडिया फर्स्ट मिशन ट्रस्ट की प्रेसिडेंट हूँ, साथ में आद वंशी की राष्ट्रीय शक्ति मंच की प्रेसिडेंट भी हूँ। और साथ में मैं जो हमारा राजघाट में स्वाति मालीवाल जी ने जो 9 दिन का धरना दिया था रेप रोको, बच्ची एक 9 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ था, सभी को मालूम होगा, तो वहां पे हमने उनका साथ दिया था। और मेरे साथ कम से कम 15 NGO जुड़ी हुई हैं जो कि हमारे एक फेडरेशन है। और जैसे कि अभी अनिता जी ने अपना भी प्रोग्राम किया है एनजीओ का, तो जहां जहां एनजीओ के प्रोग्राम होते हैं हम अपने भागीदारी वहां पे देते हैं ताकि हम पूरी दिल्ली के अंदर इस तरह का जागरण महिलाओं को मोटिवेट कर सके, जागृत कर सके। अभी ये 8 साल की बच्ची में, अभी ये आपको पता निर्भया केस, मीनाक्षी रेप और जितने भी केस आज तक दिल्ली में हुए हैं, मैंने हमेशा बढ़ चढ़ के जंत्र मंत्र पे हमेशा प्रोटेस्ट में भाग लिया और सभी संस्थाओं के साथ हम लोग जुड़े रहे, क्योंकि हमारा जागना औरों को जगाना बहुत जरूरी है आज की डेट में। महिलाएं आपकी टीम में शामिल है? मेरी टीम में 15 NGO जुड़ी हुई हैं जिसमें हमने मैत्री नाम रखा हुआ है, उसमें मेरी खुद की एनजीओ इंडिया फर्स्ट मिशन ट्रस्ट भी उसी के अंदर है। और जैसे अभी मेरठ के अंदर 10 साल की बच्ची के साथ जो रेप हुआ है, अभी हम लोग वहां पे भी जाने वाले हैं और वहां पे जाके उस पर एक्शन भी लेंगे, क्योंकि एक्शन तो वहां पे हो चुका है। हमारी टीम ऑलरेडी अलवर के अंदर है वहां पे, और वहां पे उन्होंने उसके ऊपर काफी जो है उस बच्ची के साथ जो रेप हुआ है, और उसके साथ कुछ सीमा नाम की जो महिला थी, मैंने सुना है कि वो उसके माध्यम से वो उसका निवाला बनी है। और हम ऐसी महिलाओं के खिलाफ भी, बेशक हम महिलाएं, लेकिन ऐसी महिलाओं के खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करेंगे जो कि ऐसी बच्चियों के लिए उनके दुर्भाग्य का कारण बनती हैं। और इसी के लिए मैंने स्वाति मालीवाल के टाइम में मैंने एक कविता लिखी थी, उसके उनसे प्रेरित होके तो मैं उसके ऊपर सारी महिला शक्ति को वो अपनी तरफ से बोलना चाहती हूँ। नारायण की नारी शक्ति हो तुम खुद ही भूल गई, तुम ही ज्वाला दुर्गा चंडी फिर क्यों फंदे पर झूल गई। राजनीति में झांसी रानी, इंदिरा गांधी कस्तूरबा, मानवता में मदर टेरेसा, विश्व सुंदर में सुषमिता, हर जगह फहराए परचम तेरा तू सृष्टि करा, तेरा तू सृष्टि करता, हर जगह फहराए परचम तेरा तू सृष्टि करता। उठो संभालो खुद को, देखो हर कोई तुमको देख रहा, खुद को सम्मान देना सीखो, खुद को सम्मान देना सीखो, हर कोई तुमको फेंक रहा। कह दो बिजली बनकर गर्जो, दुश्मन से जंग जारी है, आर पार की इस जंग में इनकलाब हर नारी है, इनकलाब हर नारी। जय हिंद। अपना जो है वो परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अनु उटवाल है और मैं महिला अध्यक्ष हूँ आम आदमी पार्टी से। अनु जी क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार छोटी बच्चियों के रेप की जो लगातार खबरें सामने आ रही है, क्या लगता है क्या इसमें कहीं सरकार का लचीलापन या हम लोगों की अनदेखी, हम लोगों की जो ना समझी है वो इसका सबसे बड़ा कारण है? ये दोनों चीजें मैम, एक तो हम लोगों की भी थोड़ी अनसमझी है, जो हम लोग भी ध्यान नहीं दे पाते, छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर देते हैं, और सरकार तो अंधी होके बैठी है। ये तो हम कहेंगे सरकार अंधी है, क्योंकि जब बच्चों के साथ हो रहा तो सरकार कहाँ है। हर बार में सरकार आ जाती है कि मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, जब इन बच्चों के साथ होता है उन्हीं के माँ बापों को मारा जाता है, पीटा जाता है, उन्हीं के माँ बापों पर अत्याचार किया जाता है, उन्हें बंद कर दिया जाता है, जो लोग आरोपी होते हैं उनका साथ दिया जाता है, तो ऐसे सरकार का क्या करेंगे। ऐसे सरकार तो बदलनी चाहिए ना, तो इसलिए नारा होता है जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। मैडम आपको क्या लगता है महिलाओं के साथ लगातार होती इस तरीके की घटनाएं, क्या अगर इन अपराधियों के खिलाफ कोई कड़ा कानून बन जाए तो क्या ये घटनाएं दोहराई जाएंगी? मैडम जी हाँ, ये बात सच है, अगर इनके लिए कड़ी से कड़ी, इनसे कड़ी से कड़ी इनको सजा मिले तो ये घटना नहीं होगी जी। तो हिसाब से संजय, एडवोकेट संजय जी भी है, जब हमारे इस तरह की कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो हमें हमेशा इनकी गाइडलाइन भी इनकी मिलती है, इनकी सहायता भी मिलती है, तो मैं चाहूंगी दो शब्द ये भी कहें। धन्यवाद गुरमीत जी। मेरा पहले आप अपना परिचय। अच्छा, मेरा नाम एडवोकेट संजय चावड़िया है, मैं दिल्ली उच्च न्यायालय और दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एडवोकेट को प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो ये है, दलित महिलाएं, दलित आदिवासी और माइनॉरिटीज की महिलाओं और बच्चों के ऊपर जो अत्याचार होते हैं उनके ऊपर मैं पैरवी करता हूं, कोर्ट से बाहर और कोर्ट के अंदर। अभी दिल्ली के अंदर ही अपने दिल्ली कैंट में एक नांगल के अंदर, पुरानी नांगल में कांड हुआ है, और अभी फरीदाबाद के अंदर
रिसेंटली कांड हुए, 4-5 दिल्ली में और पूरा NCR और पूरा हिंदुस्तान के अंदर मैं दलित महिला के ऊपर जो भी अत्याचार होते हैं उनको लेके मैं केस करता हूँ और उनके आवाज उठाता हूँ। और मेरा जो आपका एक सवाल था यानी ये गुरमीत जी से, वो मेरा ये कहना है कि किस क्या अनदेखी है, अनदेखी देखे ऐसा है कि समाज में है तो हमारे समाज पर ज्यादा अत्याचार किया जा रहा है, ठीक है। जो मैं थोड़ा सा ढील देखता हूँ वो कानूनी प्रक्रिया में है, जैसे पता लगता है दलित आदिवासी या माइनॉरिटीज समाज के बच्चे हैं या महिलाएं हैं तो उनके प्रति जो संवेदना है वो एकदम शून्य हो जाती है, और जो पुलिस और न्याय को अपना काम करना चाहिए न्याय प्रक्रिया को वो बिल्कुल अनदेखा करती है। मतलब कहीं ना कहीं आज भी जातिवाद जो है वो सबसे बड़ी अग्नि साबित हो रही है महिलाओं के लिए। बिल्कुल जी बिल्कुल, महिलाएं जलती जा रही है। हाँ जी बिल्कुल, जाति कभी जाति ही नहीं, महिलाओं की हो या किसी बच्चों की बात हो, जहाँ पर जाति आती है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, तो सबसे पहला ये है कि सब एक उदासीन होकर, पूरा जो सिस्टम है उदासीन होकर बैठ जाता है। तो हमारी आपके माध्यम से यही अपील है कि जो भी कानूनी प्रक्रिया है वो, ये भी बच्चे ये अपने ही समाज के, ये महिलाएं ये भी हमारी अपनी माता बहनें हैं, तो इनके खिलाफ जो कानूनी और जो अत्याचार हो रहे हैं उनको लेकर संवेदना आनी चाहिए। धन्यवाद। सुना आपने, ये एक ऐसा मिशन है जिसमें कि आप महिलाओं के साथ बच्चियों के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, इनसे जुड़ सकते हैं। रेप रोको, ये इनके नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में हम लोग शेयर कर देंगे, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इनके साथ जुड़ सकते हैं। और एक बहुत बड़ी पहल महिलाओं के सम्मान की, महिलाओं के मान सम्मान की, जो कि उन्हें रोंद दिया जाता है, कुचल दिया जाता है, चिथड़े चिथड़े कर दिया जाता है, अगर आप इनसे जुड़ते हैं तो ये पूरी टीम मिलकर आवाज उठाती है महिलाओं के सम्मान के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट समी सैनी के साथ मैं रेखा दुग्गल, ओपन चैलेंज 24 न्यूज।